तो शुभम, मैं आपका स्वागत करता हूँ आलोकन एकेडमी के चैनल पे। तो हमने अपनी पुरानी क्लासों में पढ़ा कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग। तो थोड़ा सा वापस मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। कॉस्टिंग है हमारे कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की, सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो भी हमने एक्सपेंडिचर इनकर्ड करे हैं, उनकी उनका जो टोटल है वो कॉस्टिंग, कॉस्ट उस प्रोडक्ट की और उस सर्विस की कॉस्ट मानी जाती है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें जो एक्सपेंसेस लगे हैं, मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, ओवरहेड लगे हैं, तो उनको जब हम एक साथ जोड़ेंगे, उनका सम अप करेंगे, तो उसकी जो टोटल है वो कहलाता है उस प्रोडक्ट सर्विस की कॉस्ट। ठीक है, कॉस्टिंग में हमने देखा जो मेथड है, कॉस्टिंग में हमने देखा जो कॉस्ट कैलकुलेट करने की मेथड और टेक्निक है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कॉस्टिंग। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, कॉस्ट अकाउंटिंग। जो हमारा कॉस्ट डेटा है उसको क्लासिफाई करना, उसकी समराइज करना, उसको रिकॉर्ड करना। जो भी हम बिज़नेस में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारा फैक्ट्री में, तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको हमने क्या किया था, हम उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जो समरी बनाते हैं, फिर हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो कॉस्ट डेटा की में कॉस्ट डेटा को क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ कॉस्ट डेटा क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटेंसी। इसमें कॉस्टिंग, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को हम जब एक साथ लेते हैं तो उससे हमारा वर्ड बनता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। मतलब कॉस्टिंग में जो भी हमारा कॉस्ट का डेटा है, उसको प्रोसेस और टेक्निक जो है कॉस्ट डेटा को, उससे हम जो रिकॉर्ड और समराइज करते हैं, प्लस कॉस्टिंग के जो मेथड्स और टेक्निक्स को हम उसमें ऐड करते हैं, और उससे जो हम डेटा निकालते हैं ताकि हम हमारी कॉस्ट को कंट्रोल और रिड्यूस कर सकें, तो वो किस में आता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी में। यहाँ तक आपको सब क्लियर है जो हमने पहले पढ़ा था, मतलब कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटेंसी का रिलेशन। से क्या बना है, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग को हम एक साथ जब जोड़ते हैं तो उस रिलेशन को क्या कहा जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट में फिर हमने आगे पढ़ा कॉस्ट किसकी, प्रोडक्शन और कोई भी हमने यूनिट प्रोड्यूस करी है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवाई है, उसमें कौन कौन सी कॉस्ट लगती है, जो कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये हमारे कॉस्ट के एलिमेंट हैं। तो इन सब से जो प्रोडक्ट में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हम इनकर्ड कर रहे हैं, वो तीनों कॉस्ट
मानी जाती है उस प्रोडक्ट की और उस सर्विस जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कॉस्ट में हमको दोनों तरह की कॉस्ट लेनी है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट, दोनों कॉस्ट को हमको कॉस्ट में हमारे शामिल करना है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक्चुअली पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक्चुअल में मनी का हम पेमेंट कर रहे हैं और किसको करते हैं? किसी आउटसाइडर को। एक्चुअल में हम मनी का पेमेंट करते हैं और वो करते हैं किसी आउटसाइडर को। तो वो जो कॉस्ट है वो किस में हमारी आती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। और यहाँ पर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट लेते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब जो ओनर है, ओनर के द्वारा जो बिजनेस में इनपुट्स दिए गए हैं। यहाँ पर इनपुट्स किसने दिए हैं? आउटसाइडर ने। यहाँ पर इनपुट्स किसने दिए हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हम जो इंक्लूड करते हैं वो किसी आउटसाइडर ने, उसको हम एक्चुअल पेमेंट करते हैं। यहाँ पर इनपुट्स दिए हैं हमारे ओनर ने, जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है, बिजनेस का जो मालिक है, जो ओनर है। वो सपोज़ उसके पास कोई एग्जांपल के तौर पे उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसी प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस चला रहा है, ठीक है, या उसकी जो लैंड और बिल्डिंग है उसी प्रीमाइसेस से वो सर्विसेज दे रहा है। तो उसके जो जो उसका रेंट होना चाहिए, रेंट उसको किसी बाहर वाले को पे नहीं करना है, पर उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, अगर वो रेंट पे उस जगह को लेता तो उसको रेंट बाहर वाले को पे करना पड़ता। तो वो केस तो किस में आता? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, कि हम आउटसाइडर को पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आउटसाइडर को पेमेंट कर रहे हैं, एक्चुअल मनी उसमें हमारी पॉकेट से सामने वाले के पॉकेट में जा रहा है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट में ओनर की खुद की प्रॉपर्टी है, तो उसका जो रेंट है वो किस में ले, वो इनपुट्स ओनर खुद बिजनेस में दे रहा है कि मैं मेरी प्रॉपर्टी में ही मेरा काम करूँगा, या मेरी फैक्ट्री है उसी में मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, ऑफिस है उससे मैं अपनी सर्विसेज दूँगा। तो उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उस इन वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगी। यहाँ पर जैसे सपोज ओनर ने अपनी कैपिटल लगाई, तो कैपिटल लगाई तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो ओनर का खुद का है, उसको किसी और को पेमेंट नहीं करना, पर उसकी जो कॉस्ट होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट वो उसको कंसीडर हमको करना पड़ेगा। इस केस में हम देखें एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हमको क्या करना होगा? इसमें हम लोन लेंगे, तो लोन लेंगे तो हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो वो किसी आउटसाइडर को करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कॉस्ट में हमें दोनों तरह की कॉस्ट हमारे को कंसीडर करनी होगी, उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं जो हमारे कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग, जो हमारा कॉस्ट निकालने का, जो हम कॉस्टिंग में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कोई प्रोडक्ट हमारा बेचना है तो उसको सेल करने के लिए हमें उसकी सेलिंग प्राइस की नीड होगी। सेलिंग प्राइस की नीड है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस आती है। हमारी प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट है उसमें जब हमारा मार्कअप परसेंट जोड़ते हैं, ठीक है, उसमें हम प्रॉफिट जोड़ते हैं, तो उससे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों का इक्वल करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारी क्या आती है? सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हमें उस कॉस्ट का पता लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखें
जो भी हम प्रोडक्ट प्रोवाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर चीज़ की कॉस्ट निकलती है, ठीक है। कोई भी यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने की भी कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। किसी किसी आप वहाँ पर पढ़ने आए तो आपने फीस गिवन करिए, उस कोर्स की आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। कोई भी प्रोड्यूस हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हर चीज़ की हमको कॉस्ट निकाल सकते हैं और निकालनी पड़ेगी, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकें। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे कॉस्टिंग का क्या है? एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को हमको कंट्रोल करना होगा। हम हमारा कोई प्रोडक्ट है उसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें जो कॉस्ट लगेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा पड़ रही है। मतलब हम हमारा प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, सबकी जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। हमको उसके बराबर या उससे कम करनी होगी, ताकि हम मार्केट में एक परसेंटेज रीजनेबल प्रॉफिट जोड़ के उसको सेल कर सकें, ठीक है। तो अब उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, उसके मेथड्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, ये सब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये इसका कॉस्टिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव है। कंट्रोल करने में ऐसा नहीं है कि हम क्वालिटी को रिड्यूस कर देंगे, कि मटेरियल हमारे कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही है तो मटेरियल कम लगा दिया, या हल्का कलर लगा दिया, या हमने बिलो स्टैंडर्ड लगा दिया। हमें कॉस्ट को, मटेरियल हमारी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना एक सर्टेन लेवल तक, ये क्या है, कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट को जब हम बेचेंगे, कोई भी सर्विस हम प्रोवाइड कराएंगे, तो हमको मार्केट में हमारे कस्टमर से उसको एक एक प्राइस चार्ज करनी होगी, वो क्या कहलाती है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को कैसे निकाला जाता है, जैसे जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी हमने कॉस्ट प्लस हमारा जो भी प्रॉफिट मार्कअप है, प्रॉफिट मार्जिन है, उसको हम जब ऐड करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगी, सेलिंग प्राइस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ये हमारे कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। हम बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमारा सेल कर रहे हैं हम, तो उसका मोटिव एक है वेल्थ मैनेजमेंट, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर हम एक प्रॉफिट को लेके नहीं चलेंगे तो हम बिजनेस कभी कर नहीं सकते हैं। तो हमें हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना भी है, प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए हमको एक प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो कॉस्टिंग में हम एक कॉस्ट पे जो भी हमारी कॉस्ट आई उसका एक परसेंटेज लेके, कि हमें हमारे सपोज कॉस्ट आ रही है 100 रुपये, तो 100 रुपये कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 100 रुपीज़। उसमें हमने, हमको ये मान के चल रहे हैं कि हमें 10% हमारा प्रॉफिट हमारे उस प्रोडक्ट पे हमको कस्टमर से चार्ज करना है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज को हमको डिसाइड करना पड़ेगा, उस प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा। और जो भी हमारी कॉस्ट है, मटेरियल लेबर ओवरहेड, जो टोटल कॉस्ट आई उसमें, उस पर प्रॉफिट निकाल के सेलिंग प्राइस हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव कॉस्टिंग का क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है जो हम कॉस्टिंग करते हैं,
हमको डिसीजन मेकिंग, जो भी मैनेजर्स है उनको हम कंपनी में पॉलिसीज बनानी पड़ती हो। मैनेजर्स है जो हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, कॉस्टिंग हम निकाल रहे हैं, तो हमें बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट को ग्रो करने के लिए हमें बिजनेस में बहुत तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। तो वो डिसीजन लेते हैं हम हमारी बिजनेस को चलाने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। तो ये सब कब पॉसिबल है? जब हम कॉस्टिंग में उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सके, कितना में प्रॉफिट रखना है, प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके क्या सेलिंग प्राइस रखनी है, फिर उस सेलिंग प्राइस है तो उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हम प्रोडक्ट को आगे मार्केट में बेच सकें अच्छे से और हम हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें और हमारे कस्टमर को अच्छे से प्रोडक्ट विद क्वालिटी विद सेटिस्फिकेशन हम प्रोवाइड करा सकें। तो हमें बहुत तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है। तो ये कॉस्टिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो हमारा सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं या बैच ले रहे हैं, तो उसमें जो कॉस्टिंग का जो सिलेबस है तो उसमें हम मेजरली जो भी चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे वो उनमें मेथड्स डिस्कस करे हुए हैं कि हमको कोई भी कॉस्ट निकालने का हमारा क्या मेथड होना चाहिए। तो उसमें कॉस्टिंग को सब डिवाइडेड करा हुआ है। तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग में कि किस एक प्रोडक्ट की किस किस तरह से, किन मेथड से हम कॉस्टिंग को निकाल सकते हैं, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम इसमें मेथड ऑफ कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग में कॉस्टिंग दोनों के लिए निकलती है, गुड्स के लिए भी और गुड्स प्रोड्यूस किया है और सर्विस प्रोवाइड करी है। तो हम इसको मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड ऑफ कॉस्टिंग में फर्स्ट मेथड हम इसमें पढ़ेंगे जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर कोई आप प्रोडक्ट अब मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं या इसमें आप कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको सेपरेट इंडिविजुअल जॉब माना जाएगा। मतलब ये कॉस्टिंग जो जॉब कॉस्टिंग है ये बेसिकली उसमें काम आती है जब आप कोई प्रोडक्ट है उसको अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब आप प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप हर प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं बना रहे हैं, उसको एज अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट आप उसको कस्टमाइज कर रहे हैं। तो कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको सेपरेट हमको उसकी कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। तो हर प्रोडक्ट को उसको एक इंडिविजुअल जॉब माना जाता है। तो जॉब कॉस्टिंग में क्या करते हैं हम, उसको बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं हम, जो भी प्रोडक्ट है उसको अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसको एक सेपरेट जॉब माना जाएगा। तो ये इसमें क्या हम ये किस में पढ़ते हैं हम, जॉब कॉस्टिंग में। तो जॉब कॉस्टिंग में जो कॉस्ट है वो उन सब सारी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करेंगे। एक्यूमुलेट के किसको करेंगे हम, सारी कॉस्ट को जोड़ेंगे और वो किसके अकॉर्डिंग होगा,
अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. जो भी जॉब है वो कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट है, जो कस्टमाइज्ड है, वो हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट, उसके ऑर्डर, उसकी जो जो उसकी डिमांड है, वो उस प्रोडक्ट में क्या चाहता है, उसकी क्या क्वालिटी हो, क्या उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन हो, तो उसको पर्टिकुलर एक जॉब माना जाएगा. इस ये तो इसमें हम सारी कॉस्ट जो भी इनकर्ड हुई उसको अकॉर्डिंग टू कस्टमर जो भी रिक्वायरमेंट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हम इसमें लेंगे. तो ये जो कॉस्ट होगी ये इंडिविजुअल जॉब्स होगी. ये सब क्या होगी? इंडिविजुअल जॉब. हर जॉब को हमको इंडिविजुअली सेपरेटली ट्रीट करना होगा. नेक्स्ट हम जॉब को इसमें मेथड में पढ़ते हैं. जॉब कॉस्टिंग के बाद हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे बैच कॉस्टिंग. बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग का ही एक वर्जन है, इम्प्रोवाइज वर्जन. इसमें हम हर प्रोडक्ट को बैच वाइज प्रोड्यूस करते हैं. कैसे? जो भी हमारा एक प्रोडक्ट है उसके हमको बहुत सारे यूनिट्स, एक हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनको बैचेस में बनाया जाता है. तो इसमें बैच कॉस्ट को हम डिटरमिन करते हैं. कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट है, सपोज़ हमको 100 यूनिट्स बनानी है या हमें 1000 यूनिट बनानी है, तो उसको 1000 यूनिट्स को हम 100 यूनिट के बैच में हम बनाना चाहते हैं, तो उसको हम 10 बैचेस में डिवाइड कर लेंगे. मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्शन स्केल जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसमें कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन को हमको बैच में बनाना होता है. जैसे आपने देखा होगा मेडिसिन है, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, तो वो कोई भी जो मेडिसिन है वो उसमें लॉट बैच लिखा रहता है, ये इस बैच में बनी हुई, इस लॉट में बनी है, ताकि आप उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सके. या आपकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप बैच डिसाइड करते हैं, ठीक है. तो ये जॉब कॉस्टिंग का इम्प्रोवाइज वर्जन है बैच कॉस्टिंग. तो इसमें क्या होता है, जो अपन मॉडिफाई वर्जन किसका है, ये मॉडिफाइड वर्जन किसका है, ये जॉब कॉस्टिंग का ही मॉडिफाई वर्जन है. जॉब में हम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक बैच को देखते थे, सॉरी स्पेसिफिक जॉब को देखते थे, एक प्रोडक्ट को कस्टमाइज जो कर रहे हैं, और बैच कॉस्टिंग में क्या करेंगे, हम एक बैच को सेपरेटली ट्रीट करेंगे एज ए जॉब, तो हम उस बैच की अलग से कॉस्टिंग निकालेंगे. तो इस केस में हम कॉस्ट पर यूनिट जो बैच की होती है वो कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी टोटल कॉस्ट यहाँ पर बैच में लगी है, तो उसमें बैच कॉस्ट जो डिटरमिन करेंगे अपन, जो हमारी बैच कॉस्ट होगी बैच कॉस्टिंग में, जो भी हमने एक बैच बनाया है, जो हमारा लॉट साइज है, उस बैच की जो कॉस्ट हम उसमें जो इनकर्ड किया है, तो बैच कॉस्ट बैच कॉस्ट इज यूज टू डिटरमिन. इसमें हम बैच में क्या डिटरमिन करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे. जो भी हमारा बैच है उस बैच में नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमारा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन में जो टोटल कॉस्ट आई उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम एक बैच में बना रहे हैं उसको डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट. यहाँ तक क्लियर होगा?
जॉब कॉस्टिंग का इम्प्रोवाइज वर्जन है बैच कॉस्टिंग, जब हमारा प्रोडक्शन हम एक साथ बहुत सारी यूनिट्स का करते हैं तो उसको हम बैच वाइज प्रोड्यूस करते हैं। बैच वाइज प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो बैच की टोटल कॉस्ट आती है, जो भी हमने मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस ऐड किए हैं, उसमें हम उस बैच में कितनी यूनिट्स है तो नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड लगाते हैं तो क्या निकलती है, कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं हम, ये सब गुड्स से रिलेटेड है, सर्विस से रिलेटेड अभी डिस्कस करेंगे हम। अभी क्या चल रहा है हमारा, गुड्स से रिलेटेड मेथड हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो सिलेबस में है हमारे वो है जॉब कॉस्टिंग, और बैच कॉस्टिंग के बाद जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेजरली आप जैसे ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप रोड्स बना रहे हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन में जो ये कॉस्टिंग यूज़ होती है सिविल कंस्ट्रक्शन है, केमिकल इंडस्ट्री है, जहाँ पर लार्ज स्केल में हमारा प्रोजेक्ट चलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है हम, तो उसमें सिविल कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ मेजरली की जाती है। इसमें हम जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पीरियड के लिए भी होते हैं, पर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होते हैं, वो पर्टिकुलर उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम क्या होता है, यूनिट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। बैच कॉस्टिंग में देखा था हमने नंबर, हमारे जो प्रोडक्शन था वो बहुत सारे बैचेस में हो रहा था, बैचेस में जो यूनिट्स थी तो हम उस बैच में जितनी यूनिट की टोटल कॉस्ट आई, ठीक है, उसमें हम नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड करते थे तो हमारी बैच में कॉस्ट पर यूनिट आती थी। और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होगा, यूनिट ऑफ कॉस्ट जो होगी यूनिट ऑफ कॉस्ट के हो जो हम डिवाइड करेंगे वो होगा हमारा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सपोज लेट से फॉर एग्जांपल हम ब्रिज बनाने का हमारे पास हम एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो ब्रिज में को बनाने के लिए जो जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो उस पर्टिकुलर ब्रिज से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो हमारी यूनिट ऑफ कॉस्ट क्या हुई, वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, हम ब्रिज बनाते हैं, हम रोड बनाते हैं, हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तो इसको सिंगली इस ब्रिज की जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम एज ए यूनिट मानेंगे। रोड के लिए फिर हम दोबारा सिंगल यूनिट, जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे यूनिट ऑफ कॉस्ट होगा। मतलब ब्रिज में जो ब्रिज में हमारी टोटल कॉस्ट आई ब्रिज को बनाने की, जो भी हमने सिविल कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो हम उसको एज ए सिंगल सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो ही हमारी क्या कहलाएगी, एक यूनिट माना जाएगा। यूनिट होती है मेजरमेंट, जो हम करते हैं उसको, उस मेजरमेंट को क्या कहा जाता है, उस प्रोडक्ट की एक यूनिट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम मेजरली सिविल कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, रोड, कोई भी हमारा लॉन्गर पीरियड के लिए कोई प्रोजेक्ट है उसको हम यहाँ पर लेते हैं, किस में लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। अब जो ईच कॉन्ट्रैक्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में,
जो हमारा हर कॉन्ट्रैक्ट है, जो जो जैसे मैंने अभी बताया, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा था ब्रिज मेकिंग का, एक कॉन्ट्रैक्ट था हमारा रोड कंस्ट्रक्शन का, तो जो भी हमारा अलग अलग जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनको हम, चाहे वो उनका जो पीरियड है, मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, तो स्टूडेंट्स जो हमारा ईच कॉन्ट्रैक्ट है उसमें चाहे वो पीरियड जो है उसका, पीरियड लॉन्गर पीरियड के लिए है, शॉर्टर पीरियड के लिए है, तो हमको उसको सेपरेट, ये सेपरेटली उसको ट्रीट किया जाएगा, है ना? तो वो क्या टर्म्ड इंक्लूडेड क्या होगा, वो जॉब उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम, एज ए जॉब ट्रीट करेंगे ईच कॉन्ट्रैक्ट को, जो पीरियड है चाहे वो लॉन्ग पीरियड है या शॉर्ट पीरियड के लिए, उसको ट्रीटेड एज जॉब। ये सब जॉब कॉस्टिंग जो हमने सबसे पहले पढ़ा, पर्टिकुलर एक जॉब कस्टमाइज कस्टमर के हिसाब से होती है। फिर हमने पढ़ा जो बैच होता है, उसमें बैच में हम आइडेंटिकल यूनिट्स बना रहे होते हैं, हमको प्रोडक्शन हमारा मास लेवल पे होता है, प्रोडक्शन जो यूनिट्स है बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको हम नंबर ऑफ बैचेस में बैच वन, बैच टू, बैच थ्री ऐसे डिवाइड कर देते हैं, वो भी जॉब कॉस्टिंग का ही एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सिविल कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, इसमें यूनिट ऑफ कॉस्ट जो होती है वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो क्या होता है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, रोड और ब्रिज हुआ, वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो या शॉर्ट पीरियड के लिए, वो ट्रीटेड एज जॉब कहलाता है। मतलब पर्टिकुलर कस्टमाइज एक कॉन्ट्रैक्ट को हम उसको एक जॉब मानते हैं। ये सब क्या है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट हमारा कॉस्टिंग का मेथड है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो एक प्रोसेस से गुजर के दूसरी प्रोसेस में जाता है, दूसरी प्रोसेस से निकल के तीसरी प्रोसेस में जाता है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो सिंगल प्रोसेस में और मल्टीपल प्रोसेस में होता है, तो वो जो प्रोसेस है, जब भी हमारा प्रोडक्शन है वो प्रोसेसेस में हो, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस वन, फिर वो प्रोसेस वन से जाएगा प्रोसेस टू में, फिर उसमें और कुछ हम एडिशन करेंगे, उसमें काम करेंगे वो प्रोसेस थ्री में, तो जब भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है तो उसको क्या तो वो उसको प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल सिंगल प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस होती है, तो हम हमारे जो भी प्रोडक्शन है उसको प्रोसेसेस में जब भी करते हैं तो वो किस में हम करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में। ये कहाँ पर यूज आती है, मैन्युफैक्चरिंग में, जब भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं हमारी यूनिट, तो उस मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसमें यूज आती है प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोसेसेस में होता है,
प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री और एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जो भी हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे लार्ज जो प्रोडक्शन होता है, जैसे इसमें जो कंजम्पशन यूनिट है वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है, जो यूनिट्स का कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। प्रोसेस वन में हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, फिर उसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस लगाए, इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस लगाए, फिर प्रोडक्शन टू से हम प्रोडक्शन थ्री में जाएंगे, तो ये हमारा प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, फिर जाके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम उसका ट्रीटमेंट करना देखेंगे। इसमें प्रोसेसेस थ्री, वन और मोर प्रोसेसेस हो सकती है, ठीक है। जो तो प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, तो ये इंडिविजुअल प्रोसेस कॉस्टिंग में माना जाता है, पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम हमारा मेथड पढ़ेंगे। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये हमारा सिलेबस में जो हमारा चैप्टर है उसको हम थोड़ा थोड़ा इन ब्रीफ हम उसकी एज अ समरी समझ रहे हैं, फिर इनके डिटेल्ड जो अंडरस्टैंडिंग है, जब जब हम एक एक मेथड का एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसको एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको आपके सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये जो भी पढ़ रहे हैं हम, प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद नेक्स्ट जो कॉस्टिंग है हमारा मेथड, यूनिट कॉस्टिंग इसको आप, और सिंगल यूनिट कॉस्टिंग भी बोलते हैं इसको। यूनिट कॉस्टिंग में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमको कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती है, इसमें एज ए बैच नहीं निकलता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमने जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स हम आइडेंटिकल बनाए, तो यूनिट कॉस्टिंग में उसकी हम टोटल कॉस्ट लेते हैं, टोटल कॉस्ट में हर बार आपको बताता हूँ, टोटल कॉस्ट में हर तरह की कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट में क्या आ गया, टोटल कॉस्ट में क्या ले लेंगे, ऑल टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस आर प्रोडक्ट। तो टोटल कॉस्ट में हमने नंबर ऑफ, टोटल कॉस्ट में जो भी हमारा आउटपुट है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने भी यूनिट्स कर रहे हैं, उसको हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट टोटल आउटपुट, टोटल कॉस्ट को हम टोटल आउटपुट से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे को हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, जो भी हम एक यूनिट बना रहे हैं उस सिंगल यूनिट की हमें कॉस्ट पता कैसे करेंगे, जो भी हमारा टोटल कॉस्ट है उसमें टोटल आउटपुट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट, है ना। इसमें सारे वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड अपन ले लेते हैं। गुड्स में हम बीच में अब बात करें, सर्विस में, सर्विस इंडस्ट्री में जो हम यहाँ पर अभी तक हमने बात करें, जो चारों मेथड पढ़े वो हमने पढ़े गुड्स से रिलेटेड। कोई भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो हमारा माल है वो हम बना रहे हैं, वो गुड्स है। तो गुड्स को बनाने के लिए
जो मेथड यूज़ करे, तो उसमें हमने पढ़ा पहले जॉब कॉस्टिंग, नेक्स्ट हमने पढ़ा बैच कॉस्टिंग, फिर हमने पढ़ा प्रोसेस कॉस्टिंग, उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट कॉस्टिंग। तो ऐसे ही सर्विस से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जब भी हम सर्विस इंडस्ट्री में के लिए कॉस्टिंग निकालते हैं, अभी तक जो पढ़ा वो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। हम जो हमारी सर्विसेज देते हैं, हम सर्विस इंडस्ट्री में हम सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो उस केस में हमारी जो सर्विस की वैल्यू है जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग को निकालने के लिए हम पढ़ाई करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जो सर्विस इंडस्ट्री में हम डील करते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है होटल इंडस्ट्री हुआ, ठीक है, एयरलाइन इंडस्ट्रीज हुआ, हॉस्पिटल्स हुए, जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। हॉस्पिटल्स हुए, एयरलाइन इंडस्ट्री हुई, जहाँ जहाँ हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उस सर्विस को प्रोवाइड करवाने की जो कॉस्टिंग है वो हम किस में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। तो हम हमारे एग्जाम्पल में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हम मेडिकल सर्विसेज मेडिकल प्रोवाइड कराते, मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं हमारे पेशेंट्स का, तो पेशेंट्स की हम जो कॉस्ट को पता करेंगे, तो उसमें हमारा मेजरमेंट की जो कॉस्ट यूनिट है हॉस्पिटल्स के केस में, वो क्या होगी, पर पेशेंट यूनिट निकलेगी हमारी। मतलब जो भी हम पेशेंट का केयर हमने किया है उसकी जो यूनिट निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, हम ऑपरेटिंग कॉस्ट में। सपोज हमारी मतलब एक पेशेंट के केयर करने में जो हमने एक्सपेंस किया, ठीक है, वो हमारी यहाँ पर कॉस्ट पर पेशेंट जो निकालेंगे वो इसमें निकालेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट, हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। अब ट्रांसपोर्ट में हम मटेरियल को इधर से उधर ले जाना, हमारी फैक्ट्री से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, या हम ट्रांसपोर्ट में किसी और का प्रोडक्ट को हम इधर से उधर पहुंचाते हैं, ठीक है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके थ्रू, तो हमें उस ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस सर्विस को प्रोवाइड करवाने का जो हमको कॉस्ट निकालनी होगी सर्विस सेक्टर के केस में, वो किस में निकालते हैं हम, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। या फिर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जनरेट करके सप्लाई करने का काम है हमारा। सर्विस जो भी हम दे रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी सर्विस सेक्टर में हम वर्क कर रहे हैं उसकी एक्सपेंसेस को हम इसमें पढ़ते हैं। तो हमारा ट्रांसपोर्ट के केस में, जैसे हमने यहाँ हॉस्पिटल के केस में हमारा जो यूनिट ली वो पेशेंट्स केयर निकाला, ट्रांसपोर्ट के केस में पैसेंजर्स में हम डील कर रहे हैं, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बस है, कार है, तो उसमें हम जो यूनिट निकालेंगे वो पैसेंजर्स किलोमीटर, मतलब कि एक पे हम
हम बस में हमारी सीटिंग कैपेसिटी 48 की है, तो हमारे जो ट्रेवल कर रहे हैं हमारे टूरिस्ट, उसमें पैसेंजर्स किलोमीटर के हमको निकालना होगा कि कितने पैसेंजर को, जो पैसेंजर है वो कितने किलोमीटर रन कर रहा है, उसको उसने कौन सी सीट उसमें बुक करवाई है, तो वो सब देखते हुए ट्रांसपोर्ट के केस में हम ऐसे निकालेंगे। अगर होटल का हमको निकालना है, होटल इंडस्ट्री में निकालेंगे तो बेड, उसने कितने दिन के लिए कितने ऑक्यूपेंसी का बेड बुक करा है, सिंगल ऑक्यूपेंसी बेड है, डबल ऑक्यूपेंसी बेड है, और कितने डे एंड नाइट के लिए उसने होटल को बुक करा है। तो ऐसे हम यूनिट को वहाँ पर निकालते हैं, किसमें, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, ये सर्विस से रिलेटेड है, पहले जो हमने पढ़े वो गुड्स से रिलेटेड था, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे, सर्विस से रिलेटेड कॉस्टिंग, जिसमें हम सर्विस को रेंडर कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, हम सर्विस दे रहे हैं, तो वो जो सर्विस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं उसके लिए क्या पढ़ते हैं हम, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइल्स, मल्टीपल कॉस्टिंग। सिंगल कॉस्टिंग जो हमने पढ़ा था, यूनिट कॉस्टिंग, उसमें हम सिंगल यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं, उसमें एक सिंगल मेथड ऑफ, मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट यूज किया जाता है। मल्टीपल कॉस्टिंग को हम कंपोजिट कॉस्टिंग भी कह सकते हैं, कंपोजिट कॉस्टिंग। तो इसमें मल्टीपल, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉस्टिंग मेथड यूज़ नहीं आता कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए, जब हम मल्टीपल, एक और मतलब दो और उससे ज़्यादा जब कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं, तो वो किस में हम पढ़ते हैं हमारे ये, इसमें कंपोजिट कॉस्टिंग में, मल्टीपल कॉस्टिंग में कौन से मेथड यूज़ करते हैं, जो हमने अभी पढ़े, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। जो भी हमारे मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल जब यूज़ करते हैं, तो ये कंपोजिट कॉस्टिंग में क्या हो, ये इसको क्या कह सकते हैं अपन, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। इसमें सिंगल कॉस्टिंग मेथड को यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मेथड ऑफ कॉस्टिंग पढ़े, इसमें आगे चल के हम और मेथड पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको वापस आज जो है उसको रिवाइज करवा दूँ, हमने सबसे पहले अभी तक जो लास्ट क्लासेस में अभी तक पढ़ा है, कॉस्ट, कॉस्ट में मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस होता है, कॉस्ट में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिलके हमारी क्या बनती है, टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उससे हमारी कोई भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पता लगती है।
कॉस्ट में हमने मटेरियल लेबर और ओवरहेड तीनों को जब जोड़ते हैं वो कॉस्ट कहलाती है, कॉस्ट। और नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉस्टिंग, मेथड्स टू कैलकुलेट कॉस्ट, वो उसको क्या कहा जाता है, कॉस्टिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा, जो भी हम हमारा जो कॉस्ट रिलेटेड डेटा है उसको हम क्लासिफाई करते हैं, उसको हम समराइजिंग रिकॉर्डिंग करते हैं, नेक्स्ट हम उसको समराइज करते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम देखते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को जब हम समअप करेंगे, मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट करना प्लस उसमें जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को यूज़ करना है उनको जब हम ऐड करेंगे, और उसका पर्पस है हम कॉस्ट को रिडक्शन करना है और कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो इस टर्म को क्या कहा जाएगा, कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, क्लियर है, कॉस्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये चारों वर्ड सिमिलर ही है, बस इनको अलग तरीके से समझाने के लिए हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा जो कॉस्टिंग है, उस कॉस्टिंग में हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। ऑब्जेक्टिव्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, कॉस्ट को डिटर्मिनेशन ऑफ हमारा जो कॉस्ट है उसको हमको पता लगाना है, फिर हमको प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस को डिसाइड करना है, फिर हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर हमको कॉस्ट को कंट्रोल करना और रिडक्शन करना हम कॉस्टिंग में देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमने उसमें क्या देखा, हमको मैनेजर्स पॉलिसीज और जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग लेते हैं वो भी हम कॉस्टिंग में देखते हैं। उसके बाद हमने कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के बाद कॉस्टिंग के हमने देखे मेथड्स, मेथड्स में और भी अभी मेथड्स है, तो उसमें फर्स्ट अपन ने क्या डिसाइड की, फर्स्ट मेथड हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट हम उसको पता लगाते हैं, जॉब कॉस्टिंग वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, उसमें नेक्स्ट हमने पढ़ा बैच कॉस्टिंग, जब हमारा प्रोडक्शन यूनिट में मास प्रोडक्शन होता है तो वो नंबर ऑफ बैचेस में किया जाता है। बैच कॉस्टिंग में हम टोटल कॉस्ट को उसमें जो बैच में प्रोडक्शन हो रहा है उसमें डिवाइड लगाते हैं तो उस बैच की कॉस्ट आ जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमें सिविल कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कंस्ट्रक्शन में जब हम काम लेते हैं, ब्रिज मैन्युफैक्चरिंग, रोड मैन्युफैक्चरिंग, उसमें हम लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट उसमें हमने उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, सिंगल यूनिट, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट को जॉब, इंडिविजुअल जॉब माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। नेक्स्ट फिर हमने गुड्स से रिलेटेड देखा प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, उसमें मल्टीपल प्रोसेस में हम प्रोडक्शन करते हैं, तो तब वो जो प्रोसेस है उसमें फिर प्रोसेस, सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट निकलता है फिर हमारा एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, उस कॉस्टिंग को हम किस में पढ़ते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में। नेक्स्ट प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिंगल यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल यूनिट में हम जो टोटल कॉस्ट है और टोटल जो आउटपुट है उसका डिवाइड लगाते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट पर यूनिट आती है, सिंगल यूनिट जो है यूनिट कॉस्टिंग भी बोलते हैं और सिंगल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री में मल्टीपल सर्विस इंडस्ट्री में हमने देखा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जब भी हम किसी को सर्विस रेंडर कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उस केस में जो हम कॉस्टिंग यूज़ करेंगे वो क्या होगी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जब भी हम सर्विस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग निकालेंगे वो क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीपल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग में हमने एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट कॉस्ट, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्टिंग होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, तो ये किस में पढ़ा हमने, मल्टीपल कॉस्टिंग में। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा आपका। ठीक है, ये मैंने आपका क्विक रिवीजन कराया अपनी लास्ट 3 क्लासेस का, इसमें जो कॉस्टिंग मेथड है वो कॉस्टिंग मेथड अपन आगे और कंटिन्यू करेंगे। अभी जो ओवरव्यू है अपने सिलेबस का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम क्लास ले रहे हैं, उस सिलेबस में उसको हर मेथड को चैप्टर वाइज बांटा हुआ है,
इसमें हम टेक्निक्स भी देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, हमारे जो कॉस्टिंग का स्कोप है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग के बाद इसमें और भी मेथड्स है, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में जैसे फिर डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है? फिर उस क्लास को हम नेक्स्ट हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके।